क्या कहे ब्रो, सन्नी देवल तो है ही है ब्रो। देखो, जंगल के शेर को तुम खरोच भी नहीं सकते। पिछली बार तो हैंडपंप ही उखाड़ा था, इस बार क्या क्या उखाड़ेगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फाइनली गाइस, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो फाइनली हमें देखने को मिल गया भाई, गदर 2 का टीजर। और इस चीज का इन्फॉर्मेशन हमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया कि गदर 2 का टीजर आने वाला है, और सडनली हमें पता चलता है कि गदर 2 का टीजर तो आ गया और ये कहीं भी सोशल मीडिया पे रिलीज नहीं किया गया। आप अगर कहीं भी सर्च करते हो तो ये टीजर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट हॉल में यानी थिएटर में रिलीज किया गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा। कुछ दिन पहले की बात है, हमें जी स्टूडियो के तरफ से एक अपडेट मिली थी कि गदर एक प्रेम कथा मूवी को थिएटर में दोबारा से रिलीज किया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि इस मूवी के साथ साथ गदर 2 का टीजर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। और जब टीजर रिलीज किया गया, सच में आग लगा दिया भाई सोशल मीडिया पे। आपको कहीं भी गदर 2 का टीजर तो नहीं मिलेगा, लेकिन गदर 2 हैशटैग में ट्रेंड में जरूर मिल जाएगा। देखो, टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, टीजर को सिंपल रखा है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें सन्नी देवल का लुक दिखाया गया है, सन्नी देवल यानी तारा सिंह पहिए को उठा के फाइट करते हुए क्या सीन दिखाया गया है, वाओ। और जब टीजर स्टार्ट होता है तो हमें स्टार्टिंग में ही एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि इस बार तारा सिंह आएगा तो दहेज में लाहौर लेके जाएगा। देखो, इस मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा की दाद देनी पड़ेगी भाई, जिस तरह से इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है इस मूवी की हाइप क्रिएट करने में वो नेक्स्ट लेवल है। पहले तो इन्होंने थिएटर में गदर एक प्रेम कथा मूवी को दोबारा से रिलीज करवाया, और सच्ची बताऊं थिएटर में दोबारा से हाउसफुल का झंडा लग गया। और ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी बात उसके साथ ही साथ थिएटर में गदर 2 का टीजर भी दिखाया गया, जिसके कारण भाई गदर 2 की हाइप और भी डबल हो गई। इसे कहते हैं असली मार्केटिंग, जिसे अनिल शर्मा ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से किया। अब देखो, जब इस मूवी में हाउसफुल का झंडा लग सकता है तो गदर 2 में ऑफ कोर्स लगेगा ही, 1000 करोड़ कोई नहीं रोक सकता, ये तो इजी ही पार हो जाएगा। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे गदर 2 को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज हो रही है और उसी दिन यानी 11 अगस्त को ही रणवीर कपूर की एनिमल मूवी भी रिलीज हो रही है, जिसकी ऑलरेडी हाइप बनी हुई है। इसके साथ ही साथ 11 अगस्त को ही अक्षय कुमार की OMG 2 मूवी भी रिलीज होने वाली है, जो अपने आप में एक अलग फ्रेंचाइजी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी पोस्टपोन्ड होगी, कौन सी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये तीनों मूवी एक ही दिन रिलीज हो सकती है। खैर, आप इन तीनों में से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कॉमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।